इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद हैं और मैं आप बताना चाहूँगा कि आज जो लहसुन की आवक है तकरीबन 18,000 बोरी की हुई है। वहीं भाव की बात करें तो जो ऊटी है वो 16.5 तक गया है बेस्ट में, और नीचे की बात करें तो जो छर्री है वो भी 5-1,000 तक गई है। वहीं देसी की बात करें तो देसी बेस्ट 11,500 तक गया है। वहीं दूसरा जो नीचे की बात करें तो 4,000 तक गया है। तो आज जो है एक खास बात यह है कि नीमच कृषि उपज मंडी में आगामी 3 दिनों तक अवकाश रहेगा, शनिवार अवकाश, बैंक अवकाश रहेगा, उसके साथ साथ रविवार को अवकाश है और सोमवार को होली जो धुलेंडी है उसके चलते मंडी में अवकाश रहेगा। ऐसे में किसान भी उपज लेके आए क्योंकि 3 दिन तक उनको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस दौरान मंडी खुली नहीं रहेगी। ऐसे में आज जो नीलामी है, हालांकि सामान्य जो पिछले सप्ताह भाव थे उसी तरह आज भी भाव हैं। और मेरे साथ एक किसान है, कहाँ से आए हैं, क्या लेके आए हैं? जलोदिया से। हाँ भैया, कहाँ से आए? जलोदिया से। क्या क्या लेके आए, नाम बताओ पहले तो दादा आपका। सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, क्या लेके आए? लहसुन लेके। कौन सी लहसुन है? ये वाली। ये लहसुन क्या नाम है, वैरायटी क्या है? ये रियावन। रियावन, रियावन देसी। हाँ, तो देसी रियावन लहसुन है इनकी। और ये लहसुन इधर दिखा दो यार, बढ़िया ले लो ढेर एक। हाँ, क्या क्या भाव गई? 10,000 है। 10,000 गई हैं। यूँ देखो तो अच्छा भाव है क्योंकि इनका ये मीडियम साइज़ का है लहसुन। दूसरी बात करें कि लगातार अब जो है लहसुन के जो किसान हैं वो नीमच ज़िले के अलावा दूसरे ज़िले से भी आ रहे हैं, और अब ज़िले वाले की संख्या कुछ कम हो गई जबकि बाहरी ज़िलों के जो आने वाले उनकी संख्या ज़्यादा है। आप भी लाए लहसुन? नीलामी हो गई आपकी? नहीं हुई अभी। कब आए थे आप? कल। कल आए थे, अभी नंबर नहीं आया? अभी नहीं आया। ये बासी वाला माल है जो निकाल दिया आज? क्या उम्मीद लग रही, कौन सी लहसुन लगे आए आप? देसी है हमारे पास। देसी, कहाँ से आए? हम राजगढ़ जिले से। राजगढ़ जिले से। तो क्या क्या उम्मीद लग रही, कितना भाव मिल जाएगा आपको? बढ़िया दिख रहा है कि 10 से पार निकल जाए। 10 से पार निकल जाएगा। अच्छा, माल भी अच्छा है, सूखा हुआ बढ़िया। अच्छा, तो आपकी उम्मीद है कि 10 से ऊपर चला जाएगा। तो एक खास बात, सभी जो किसान भाई देख रहे हैं तो 3 दिन तक अवकाश रहेगा, इसके चलते आप नीमच मंडी नहीं आए क्योंकि अवकाश के दौरान मंडी खुलेगी नहीं, नीलामी होगी नहीं। तो और दूसरी उपज की भी बात करें तो आज जो कल की अपेक्षा कुछ उपज ज़्यादा देखी जा रही है, वही कारण है कि 3 दिन मंडी बंद रहेगी। विजित राव महाडिक, मार्केट टाइम, नीमच।